दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि यदि आप न्यू रेडीमेड गारमेंट से मेंस में शॉप खोलना चाहते हैं तो उसमें एग्जैक्ट कितना पैसा खर्च होता है। टोटल एक एक प्राइस लेके जीन्स शर्ट टी शर्ट फर्नीचर उनका शुभ मुहूर्त में कितना पैसा लगता है, टोटल प्रोडक्ट लाने में आपको कितना पैसा लगेगा और टोटल कितनी क्वांटिटी आपकी उस दुकान में स्टार्टिंग में रखनी चाहिए और कितने कितने रुपए में वो आएगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि तेजस्वी लोग चैनल पर आपको हमेशा बहुत ही अच्छा बिजनेस टिप्स मिलता रहता है। चार्ट के माध्यम से समझाने वाला हूं, मैंने नोट किया है और वो ही आपको एक एक प्राइस जीन्स शर्ट टी शर्ट यहाँ तक कि बनियान अंडरवियर रुमाल्स जुराबे सब कुछ उसमें रेट वाइज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो जो दुकान खोलने के इच्छुक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ उस चार्ट पर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है कि न्यू रेडीमेड गारमेंट शॉप खोलने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या क्या आइटम आपको उसमें लाने पड़ेंगे। आइए ये वीडियो पूरी देखिए, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने चार्ट पर जो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हो तो आपका एग्जैक्ट कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे जीन्स साइज रेट क्वांटिटी और रुपए, यहां पर आपको ये मैंने लिखकर बताया है। साथ में यहां पर मैं जीन्स बता रहा हूँ, तीन कलर सिंपल जीन्स। इसमें अभी आप सुनते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सर पैसा कितना लग जाएगा नई दुकान खोलने में, तो वो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तीन जीन्स जिनके साइज होते हैं 28, 30, 32, 34, 36, ज़्यादातर से 28 से 34 तक ये साइज मिलता है आपको एक पैक में, जिसमें पाँच जीन्स आती हैं। 36 भी रखते हैं कुछ लोग, क्योंकि आजकल साइज़ ज़्यादा हैं लोगों का, इसलिए 36 भी कंपलसरी मैं मानता हूँ। 28, 30, 32, 34, 36 मैं इसमें पांच जींस लेकर चल रहा हूँ, जिनका एक जींस का रेट 350 रुपये है। और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, पांच गुना तीन कलर यानी कि एक सेट में पांच और तीन कलर यानी कि टोटल 15। एक एक पैंट यदि यहाँ से 28 नंबर की हमने ले लिया, 28 नंबर के तीन कलर हो गए, कोई सा भी समझ सकते हैं आप, ब्लैक ब्लू ग्रे, तीन कलर 15 हो गए। और हमें एक जीन्स के अंदर तकरीबन 10 कलर चाहिए, जैसे कि 28 के अंदर 10 कलर हैं तो 15 गुना 10 यानी कि 150 पीस आपको यहाँ पर सिंपल जो स्टैंडर्ड की पैंट होती है, स्टैंडर्ड की जीन्स होती है, वे वाली आपको 150 पीस लाने पड़ेंगे। 350 के रेट में तो 52,500 रुपये की जीन्स आपकी बैठ जाएगी। तीन कलर डैमेज के भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर 28, 30, 32, 34 ज़्यादातर यही साइज चलते हैं, 34 भी कमी चलता है, 28, 30, 32 ज़्यादा बिकता है, अलग साइज भी मिल जाता है आपको। ये 400 रुपये के रेट में मैं आपको बता रहा हूँ, चार गुना तीन कलर यानी कि 12 पीस हो गए और 12 गुना पाँच सेट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, यानी कि एक साइज में पाँच जीन्स, पांतिया 15 जीन्स हो जाएगी और 15 चौका 60, तो ये 60 जीन्स डैमेज कि आपको लानी पड़ेगी, 60 गुना 400 यानी कि 24,000 की ये जीन्स आपकी हो गई। टोटल 210 जीन्स आपकी 52,500 और 24,000, ये अभी आगे मैं कैलकुलेट करके आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हम दुकान में रखते हैं शर्ट, जिसका साइज होगा एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, ये साइज आपको लाने पड़ेंगे। 200 रुपये के रेट में मैं शर्ट लगा रहा हूँ, वैसे तो 150 रुपये की भी आ जाती है, मैं यहाँ पर आपको क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपको जो रेट लगाया है ये रेट जेन्युइन है और 200 रुपये में अच्छी क्वालिटी की शर्ट आपको मिल जाएगी, 180 तक भी मिल सकती है, लेकिन मैंने हाईएस्ट यहाँ पर लगाया है। हमें यहाँ पर ये चार साइज हो गए, चार साइज में लगभग हमें 10-10 शर्ट एक साइज में चाहिए, तो 4 गुना 10 यानी कि 40। ये प्लेन शर्ट मैंने यहाँ पर लिख दी, प्लेन के साथ में हमें कुछ डिजाइनिंग की शर्ट भी लानी पड़ेगी, 4 गुना 10 हमने डिजाइनिंग की शर्ट ले ली तो 40 ये हो गई, 40-40 80 पीस हमें शर्ट के लाने पड़ेंगे चार साइज में।
80×200 यानी कि 16,000 की हमें शर्ट लानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं टी शर्ट की। टी शर्ट में भी आपका वही साइज चलता है ML XL XXL। इसमें आपको गोल गले की, कॉलर की और वी नेक की आपको टी शर्ट लानी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं 150 पर पीस और 200 रुपये पर पीस, यानी कि आपकी जो टी शर्ट है वैसे तो 100-125 रुपये तक भी आ जाती है, लेकिन मैंने क्वालिटी मेंटेन की बात की तो 150 और 200 का हम रेट वाली यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि कॉलर वाली लगभग 200 रुपये की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो इसमें भी चार साइज है और चार साइज में 10-10 कलर डिज़ाइन हम लाएंगे तो 40 पीस यहाँ पर हो गए और 200 वाली के 40 पीस यहाँ पर हो गए, टोटल 80 हो गए और 4×10 यानी कि हमें ये 40-40 गोल गला, कॉलर और वी नेक 40-40 पीस लेने पड़ेंगे, तो ये 120 पीस आपके टी शर्ट के हो गए। हमने यहाँ पर 60 पीस 150 रुपये वाले लगा लिए और 60 फीट 200 रुपये वाले लगा लिए, तो टोटल 21,000 रुपये की आपको टी शर्ट लानी पड़ेगी, यानी कि 21,000 की टी शर्ट, 16,000 की शर्ट और 52,500 प्लस 24,000 की जीन्स, ये आपकी हो गई। मैं अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 150 जीन्स प्लेन स्टैंडर्ड 52,400 की, 60 जीन्स डिजाइनिंग वाली 24,000 की, 80 शर्ट प्लेन और डिजाइनिंग है इसमें 16,000 की, 120 टी शर्ट गोल गला, वी गला, कॉलर, ये हो गई आपकी 21,000 की। टोटल आपकी दुकान के अंदर पीस हो जाएंगे 410 और टोटल आपकी कॉस्ट बैठ रही है 1,13,500 रुपये। यहाँ देखिए 1,13,500 रुपये में ये आपका जीन्स शर्ट और टी शर्ट आ जाएगी, और ये इतनी क्वांटिटी है और इतनी अच्छी क्वालिटी की मैंने बताई है यहाँ पर कि आपको किसी तरह का भी ग्राहक वापसी नहीं जाएगा। यदि वापसी जाएगा तो वो आपके रेट को लेकर सौदा ना बनने के कारण वापसी जाएगा या आपके व्यवहार के कारण वापसी जाएगा। जब आपकी दुकान में इतना माल भरा होगा, यानी कि मात्र 1,13,500 रुपये का माल भरा होगा, तो आपकी दुकान ऑटोमेटिकली ही चलनी शुरू हो जाएगी। ये दुकान स्टार्टिंग का रेट है। यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट की, तो 1,13,500 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। मगर दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इससे अलग भी और खर्चे होते हैं। यदि आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है तो मैं कहता हूँ हमेशा अंडरवियर, बनियान, रुमाल और जुराबे, ये चीज़ आप और रखें अपनी दुकान में हमेशा, क्योंकि ये चीज़ भी इसके साथ में ज़रूर बिकती है। ज़्यादा महंगी नहीं आती आपको, 80, 85, 90, 95, 100 ये पांच साइज लाने होते हैं। 5,000 के अंडरवियर आ जाते हैं, बनियान भी आपके 4,000 के आ जाएंगे, रुमाल 500, जुराबे शॉर्ट फुल हाफ तीन तरह की जुराबे आजकल चल रही है 500 रुपये की, ये आ जाएगी, यानी कि टोटल 10,000 रुपये का ये खर्चा है बनियान, अंडरवियर, रुमाल, जुराबे आदि का। तो 1,13,000 और 10,000 यानी कि 1,23,000 रुपये में आपकी दुकान में अंडरवियर, बनियान, रुमाल, जुराबे, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स सब कुछ आपकी अवेलेबल होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप ये रखें, आप ये रख भी सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिंग आइटम होता है और ये सपोर्टिंग आइटम में बढ़िया काम कर सकता है, बढ़िया चल सकता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ आगे आपको और ज़रूरत क्या है। फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर तीन तरह का बनता है। ये लकड़ी का फर्नीचर है, लगभग 30,000 रुपये में आपका लकड़ी का फर्नीचर बन जाएगा। स्टील का बनवाने चाहते हैं तो 50,000 का फर्नीचर बनेगा। लोहे का बनवाना चाहते हो, लोहे की रैक आती है, लगभग 1,500 रुपये की एक रैक आती है। मैं 8,000 रुपये यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि 5-6 रैक बड़े आराम से लग जाती है। लेकिन लोहे वाली रैक ज़्यादातर होलसेल के काम में यूज करते हैं लोग, और इसमें लुकिंग अच्छी नहीं होती। 8,000 में आपका कलर वगैरह सब कुछ होकर आपको कंप्लीट मिल सकती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कपड़े की दुकान में स्टील का फर्नीचर या लकड़ी का ही फर्नीचर कामयाब होता है, क्योंकि उसमें लुकिंग अच्छी हो जाती है। अब ये इनमें से कोई एक आप कर सकते हो। यदि काम चलाने वाली बात है, स्टार्ट करने वाली बात है, आप लोहे का भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद लोहे का फर्नीचर लगा करके स्टार्ट दुकान की थी। और क्योंकि दुकान के अंदर यदि माल होगा तो आपका कस्टमर को कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता रहेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी यदि मेंटेन रहेगी तो एक बार को लोहे का भी फर्नीचर चल जाता है। उसके बाद
जो कंपलसरी है। जब आप दुकान खोलोगे तो आपको बोर्ड भी बनवाना पड़ेगा अपनी दुकान का, लगभग 2000 रुपये उसमें खर्चा आएगा, और दुकान का मुहूर्त भी आपको करना पड़ेगा, लगभग 5000 रुपये तक का इसमें खर्चा आ जाता है। यदि आप चाय, गुलदाना वगैरह, लड्डू वगैरह भी रखते हैं तो मुहूर्त में 5000 रुपये लग जाते हैं। तो दोस्तों आप ये 7000 रुपये तो कंपलसरी है ही, और साथ में फर्नीचर लगभग ये समझ लीजिए, यदि आप लोहे का फर्नीचर लगाते हैं तो 8000 और 7000, 15000 रुपये ये आपके और लगेंगे। तो दोस्तों ये आपका टोटल हो गया 1,23,500 रुपये और 15000, जिसमें लोहे का आपको रैक हो जाएगा और मुहूर्त और बोर्ड का खर्चा हो जाएगा। तो 1,38,500 रुपये में आपकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपका, मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे कि सर नई दुकान खोलने में कितना पैसा लगता है, तो मैंने एक्यूरेट आपको बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसमें यदि आप 10-10 सेट ना लाए, 5-5 सेट ही लाए, तो ये खर्चा आधा हो जाता है, क्योंकि मैंने 10-10 सेट बताए हैं। यदि आपका बजट कम है तो इसका हाफ कर लीजिए, आप 1,40,000 मान लीजिए, यानी कि 70000 रुपये में भी आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी। 10-10 सेट ना ला के 5-5 सेट भी आप ला सकते हो, तो 70000 रुपये में ये आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी, 70 से 80 हज़ार रुपये में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।